हेलो गाइज, माइसेल्फ आरके विक्रम वर्मा और हम लोग आज मंडे के निफ्टी मिड कैप के एक्सपायरी का डिटेल्स एनालिसिस अभी देखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो इसके पहले मैं प्रीवियस एनालिसिस का डिस्कशन कर लेता हूं। हमने प्रीवियस एनालिसिस मिड सेंसेक्स का किया हुआ था और देखिए क्या शानदार मूवमेंट था सेंसेक्स के लिए, क्या ज़बरदस्त हम लोग जिस तरीके से प्लानिंग किए थे। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, और मैंने बताया था कि अगर इस लेवल के ऊपर ही अगर गैप अप ओपन हो करके यहीं प्राइस होल्ड करे तो हम लोग यहीं से कॉल का प्लान करेंगे। देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आया, पहला टारगेट 65,930 था, एग्जैक्टली हिट किया। नेक्स्ट टारगेट जो हमारा था, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट टारगेट जो हमारा था 66,000 था, जो कि ये भी हिट किया और फिर मार्केट फॉल किया, मतलब कंटिन्यू नीचे आ गया। और जब नीचे आया तो फिर हम लोग का वही लेवल के आसपास आया और फिर मार्केट ऊपर गया और फाइनली हमारा जो 66,066 था, देखिए मार्केट अभी यहीं पे होल्ड किया हुआ है, इसी जगह पे टाइम पास कर रहा है। तो एग्जैक्टली हमारे डॉट टू डॉट टारगेट को हिट किया है सेंसेक्स ने। तो हम लोग सारे टारगेट बेसिस पे बहुत ही शानदार आज प्रॉफिट भी बुक किए। हम लोग 00 भी अभी लाइव स्ट्रीम में किए थे, तो हम लोग 42 वाला प्रीमियम 70 गया, उसके बाद फिर हम लोग एक प्रीमियम था जो कि यहाँ 40 वाला 77 गया, ऑलमोस्ट 2x के आसपास गया। तो सेंसेक्स में बहुत ही शानदार और बढ़िया डॉट टू डॉट सारी चीज़ें जैसा प्लान था वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया। अब देख लेते हैं मिड कैप का कि मिड कैप किस तरीके से हम लोग का नेक्स्ट डे में हम लोग को ट्रेड मिलने वाला है। तो देखिए अभी अगर मैं डे वाले टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो डे वाले टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ कि मार्केट नीचे से थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है। शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ अभी जिस लेवल पर है मिड कैप, वो एक लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल को प्राइस, अगर इसके ऊपर प्राइस होल्ड करना शुरू कर दे, क्योंकि देखिए पहले भी मार्केट ये वाला फॉल, ये वाला पॉइंट था जहाँ से फॉलिंग एंड एक रेडी अपर साइड का भी देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं ये वाला लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट डे के लिए। तो अगर हम लोग फ्लैट ओपन हो जाए मार्केट, फ्लैट ओपन होकर के अगर कहीं मार्केट ऊपर निकलना शुरू करे तो हम लोग कॉल साइड का जो प्लानिंग करेंगे वो 9,130 के ऊपर, अगर वन वे अगर स्टार्ट ही करे, ओपनिंग हो जाए और निकलना शुरू करे 9,130 के ऊपर, तो सीधा सीधा टारगेट हम लोग 9,145 का पहला देखेंगे, 9,145 का। नेक्स्ट टारगेट हमारा 9,180 का होगा और फिर हमारा नेक्स्ट जो उसके बाद जो हम लोग देख पा रहे हैं 9,210 एंड 235 तक का ये वाला लेवल, राइट। तो ये लेवल हम लोग यहाँ फाइनल एग्जिट करेंगे 9,235 तक का। इसके ऊपर अभी कुछ वैसा सीन तो दिख नहीं रहा है, हाँ बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाता है तब फिर हम लोग 9,235 के ऊपर भी अगर कहीं रैली निकले तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा कि वो कैसे हैंडल करना है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग हो जाए, गैप अप 9,145 के आसपास हो जाए, इधर इस जगह पे हो जाए, तो हम लोग को ध्यान देना है कि ये 9,130 जो है इसके ऊपर ही प्राइस रहे तो फिर वही डॉट टू डॉट अपर साइड का लेवल देखने को मिलेगा। और गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर कहीं इसको ब्रेक करे तो फिर हम लोग नीचे का लेवल, हम लोग अभी बता देते हैं, उस तरीके से काम करेगा। मार्केट कल अगर फ्लैट ओपन होकर के नीचे आना शुरू करे तो नीचे जैसे ही आएगा तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कॉल साइड का ये प्लान करके है और अभी भी प्रॉफिट बुक नहीं किया। मार्केट अभी 3:23 हो रहा है, मतलब ओवरऑल 3:30 नहीं हुआ, 3:30 नहीं हुआ है। तो जो कॉल साइड में बैठे हुए हैं, जैसे ही इस लाइन के नीचे आएगा मार्केट, कॉल वाले जो भी लोग हैं उसका SL हिट होगा और जैसे SL हिट होगा बहुत ही ज़बरदस्त एक डाउन साइड का फॉल देखने को या पैनिक सेलिंग आएगा, जो कि नीचे का जो टारगेट हम लोग देखने को मिल रहा है वो नीचे का टारगेट देखिए, जैसे ही इसके नीचे आएगा 9,110 के नीचे, तो पहला टारगेट 9,090 एंड नेक्स्ट टारगेट हमारा 9,060, उसके बाद 9,049 और फाइनल जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो 9,000 है। और ये 9,000 हमें एग्जिट करना होगा और ये एक राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल है जहां हम लोग को थोड़ा सावधानी भी बरतना है। अगर उसके नीचे भी निकले तो 8,949 तक का ये टारगेट देखने को मिल जाएगा। मार्केट कहीं गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन मतलब गैप डाउन होने के बाद अगर इस लेवल के ऊपर ना निकले तो हाई चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा और नीचे आने के बाद अगर ये 9,090 के प्राइस को अगर होल्ड ना करता हुआ दिखे तो मार्केट सीधा सीधा 9,000 का प्लान करेगा, 9,000 तक के जाने के लिए नीचे साइड में। तो ये बहुत सिंपल और क्लियर व्यू है मिड कैप के लिए,
कोई लंबा चौड़ा इसका एनालिसिस नहीं है, डॉट टू डॉट सारी चीज़ें वर्क करने वाला है। प्रीवियस एनालिसिस भी हमारा सेंसेक्स का ऐसे ही वर्क किया, और मॉर्निंग में आज बैंक निफ्टी में भी बहुत ही शानदार मूव मिला था, उसमें भी हम लोग कैपिटल 2x के आसपास किए। तो मेरे लर्निंग ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एलआईसी ब्लू का लिंक है, जाइए आप उससे अकाउंट ओपनिंग करिए, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। फ्री लर्निंग ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं मंडे को एक फ्रेश नए एनालिसिस वीडियो के साथ एंड लाइव स्ट्रीम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।